नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की। देश में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार तेज कर दी है। पिछले 24 घंटे में करीब कोरोना के 60,000 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। यहां 24 घंटे में करीब 36,000 नए केस सामने आए। अकेले मुंबई में कोरोना के 5,500 से ज्यादा केस आए हैं, जबकि 47 लोगों की जान गई है। प्रेम और ताज की नगरी आगरा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवती ने अपने प्रेमी पर तेजाब फेंक दिया, जिसके बाद प्रेमी की उपचार के दौरान मौत हो गई। मामला आगरा जिले के हरिपर्वत थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक प्रेमी की शादी दूसरी जगह तय हो जाने के कारण युवती नाराज थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने का निर्देश दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम योगी ने बैठक की। इसके साथ ही कोरोना पर कैसे नियंत्रण पाया जा सके उस पर बात भी की है, मंथन किया है। आपको बता दें कि बैठक में अलग अलग विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। होली की पिचकारियों में वैक्सीन को भी जगह मिली है, जिस पर भारत में बनी 2 वैक्सीन का भी जिक्र है। ये पिचकारियां बनारस की गलियों में बिक रही हैं। बनारस की गलियों से हटकर घाटों की बात करें तो मणिकर्णिका घाट में चिता की राख से होली खेली जा रही है। काशी में मसानी की होली की परंपरा रही है। मसानी की होली काशी में रंगों के इस त्यौहार की शुरुआत का ऐलान माना जाता है। असीम अरुण को कानपुर का पहला कमिश्नर बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर ए सतीश गणेश वाराणसी के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। सूत्रों के अनुसार कानपुर में एक डीजी रैंक का पुलिस कमिश्नर, 2 IG या DIG रैंक के अफसर और 8 SP रैंक के अफसरों की तैनाती किए जाने की चर्चा थी। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल समेत दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों में कोरोना वायरस खत्म करने के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। दुनिया में अब भी कई ऐसी वैक्सीन हैं जो ट्रायल मोड में हैं। इस बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अब नाक के जरिए वैक्सीन देने की तैयारी में जुट गई है, इसलिए 30 वॉलंटियर्स पर काम चल रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान संगठनों का भारत बंद है। 12 घंटे के इस भारत बंद के दौरान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे दिल्ली के खुले वैकल्पिक रास्ते बंद रहेंगे। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का ऐलान किया गया। किसानों की ओर से प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक आत्महत्या का मामला सामने आया, जहां पर एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पत्नी पर छींटाकशी और छेड़छाड़ करने से वो परेशान था। जो लोग पत्नी पर छींटाकशी कर रहे थे, उनको कई बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी खत्म कर चुका है। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न में शामिल होने के लिए बांग्लादेश पहुंचे। पीएम मोदी बांग्लादेश में 2 दिन रहेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों देशों में कई समझौते भी होंगे। राजस्थान में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी एंटी करप्शन ब्यूरो से बचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कुछ ऐसे ही नजारा सिरोह जिले में देखने को मिला। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जब पिंडवाड़ा के तहसीलदार कल्पेश जैन के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची, तो वो 20 लाख रुपए की रकम को चूल्हे पर जलाने में लगा हुआ था। ये नजारा जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने देखा तो इसका वीडियो बना लिया। यूपी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात की जानकारी दी है। 4 चरणों में चुनाव होंगे। 15, 19, 26, 29 अप्रैल को ये चुनाव होंगे। मुंबई के भांडुप में कोविड अस्पताल में मौत का आंकड़ा 9 तक पहुंच गया है। अस्पताल एक मॉल में चल रहा था, जहां देर रात आग लगी। खबर मिल रही है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। पहले अस्पताल के एक हिस्से में आग लग गई थी, कुछ घंटे बाद अस्पताल के एक और हिस्से में आग लग गई। 12 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फोर्टीजेंस को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोग किस तरह से कपड़े पहने, इससे नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नेताओं का काम नीति निर्धारण करना है और कानून का शासन सुनिश्चित करना। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद लोगों को बुलाकर मीटिंग की है, जिसकी वजह से उनकी काफी आलोचना हो रही है। एक के बाद एक ही फिल्म दे रहे राजकुमार की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक्टर का काम इतना कमाल का रहा है कि उनकी फिल्मों को ऑस्कर तक में नॉमिनेशन मिल रहा है। हाल ही में उनकी द वाइट टाइगर को ऑस्कर में जगह दी गई है। अब जब से फिल्म को लेकर इतनी बड़ी घोषणा हुई है, कयास लगाए जा रहे हैं कि एक्टर जल्द अपना हॉलीवुड डेब्यू कर सकते हैं। गाजियाबाद के सियानी गेट से एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रेप की वारदात का वीडियो दुकान में ही मौजूदा आरोपी के चाचा ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद लगातार उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में मौजूद गौशाला में गाय की मौत के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। गौशाला ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा संचालित की जाती है। गाय की मौत के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व बैंक के साथ अगले महीने होने वाली बैठक से पहले कहा है कि भारत अर्थव्यवस्था क्रमिक सुधार के रास्ते पर है। IMF ने देश की GDP बढ़ने का अनुमान जताया है। साथ ही कोरोना के अलग अलग वेरिएंट और लॉकडाउन से जोखिम पैदा होने की बात भी कही है।
मोहम्मद अल खाक हत्या मामले में गुरुवार को फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। 5 साल बाद इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक में शुरू हुई। आपको बता दें कि घर में बीफ रखने पर मोहम्मद अखलाक की कथित तौर पर मॉब लिंचिंग की गई थी। यह घटना दादरी के बिसाड़ा गांव में हुई थी। श्रीनगर का मशहूर ट्यूलिप गार्डन गुरुवार को 23 महीने बाद दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। पिछले साल कोरोना के चलते ये बंद रहा था। 30 हेक्टेयर में फैले इस गार्डन में इस बार 15 लाख ट्यूलिप लगाए गए हैं। गार्डन में 64 किस्म के ट्यूलिप हैं, जिनमें से कुछ दूसरे देशों से भी मंगाए गए हैं। कुछ कश्मीर की अपनी किस्म है, जिसे इस बार गार्डन में अलग डिजाइन में लगाया गया है। देश भर में कोरोना संकट तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते कई शहरों में पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अब कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 1 अप्रैल से लागू होगा। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में खेल प्रेजेंटर संजना गणेशन के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। फैंस अब भी इस नए नवेले कपल को भव्य शादी समारोह की तस्वीरें और वीडियो में देखना पसंद कर रहे हैं। इस बीच संजना गणेशन की पुरानी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। ये क्लिप डेटिंग रियलिटी शो स्पिट्स विला की है। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला कपूर ने अपनी मां को याद किया है। अर्जुन कपूर ने अपनी मां का एक फोटो शेयर किया और एक बहुत ही भावुक और दिल छू लेने वाला लंबा नोट लिखा है और बताया कि वो अपनी स्वर्गीय मां को कितना याद करते हैं। वो ईश्वर से अपनी मां के वापस लौटने के लिए उम्मीद करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का आज दूसरा मैच है। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। सीरीज के सभी मुकाबले पुणे में खेले जाएंगे। आज जीत के साथ भारत सीरीज पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम टेस्ट और T20 सीरीज अपने नाम कर चुकी है। टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी है, क्योंकि जो टॉस है वो इंग्लैंड ने जीता है। और इसी के साथ टॉप 25 में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।